भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा से ही टैलेंटेड लोग होते रहे हैं। आज भारतीय लोग अपने टैलेंट के दम पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। उन लोगों ने ये मुकाम अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। आज हम एक ऐसे ही भारतीय के बारे में बात करेंगे जो इस समय दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई के बारे में, जो गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। ये मूल रूप से भारत इंडिया से आते हैं। इन्होंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई भी भारत में ही करी। आज सुंदर सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर ही यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे हैं। सुंदर पिचाई हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सुंदर पिचाई के जीवन को शुरू से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे पहले गूगल और फिर अल्फाबेट के सीईओ बनने में कामयाब रहे। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के मदुराई में हुआ था। इनकी माँ का नाम लक्ष्मी था, वह पेशे से एक स्टेनोग्राफर थी। वहीं सुंदर के पिता का नाम रघुनाथ पिचाई था, वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे और उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था जहाँ इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स बनाए जाते थे। सुंदर पिचाई चेन्नई के अशोक नगर में 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में रहते थे और वहीं वह बड़े हुए। सुंदर पिचाई एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे थे और अच्छे जीवन के लिए उनका पढ़ना बहुत जरूरी था। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई जवाहर विद्यालय से करी और उनके पिता बताते हैं कि बचपन से ही वह इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी इंटरेस्टेड रहते थे। जब एक बार उनके घर पर लैंडलाइन टेलीफोन आया था तो वह उस टेलीफोन को खोलकर चेक करने लगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। इसके अलावा अगर उनके पिता भी कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट घर लाते तो सुंदर उसको बड़ी रुचि से इंस्पेक्ट किया करते थे। इसके बाद सुंदर ने तय करा कि वह आगे चलकर इंजीनियरिंग करेंगे और इसी के लिए उन्होंने जेईई एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे देश का आईआईटी जेईई का एग्जाम दुनिया के कुछ सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है और सुंदर पिचाई ने उसको क्लियर कर आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया। आपको मैं ये भी बता दूं कि आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए भारत के कुछ सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में से एक है। फिर सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी, जिसके बाद उनको मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी नामी यूनिवर्सिटी से एमएस की डिग्री हासिल करी। इसके बाद उन्होंने पहले तो पीएचडी करने का फैसला करा, पर बीच में ही इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और फिर कुछ समय तक एक कंपनी में बतौर इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से 2002 में अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करी। एमबीए करने के बाद उनके पास नौकरी करने के कई ऑफर्स आए, पर उन्होंने मैकेंसी एंड कंपनी में काम करना बेहतर समझा। अगले कुछ समय तक वे इसी कंपनी में काम करते रहे, जिसके बाद 2004 में उन्होंने गूगल ज्वाइन करी। शुरुआत में उन्होंने गूगल सर्च टूल बार पर एक छोटी टीम के साथ काम करा। इसके बाद उन्होंने गूगल के कई अलग प्रोडक्ट्स पर भी काम किया है। गूगल के टूल बार की कामयाबी से सुंदर पिचाई को आइडिया आया कि गूगल को खुद का ब्राउजर बनाना चाहिए। इसी आइडिया को उन्होंने अपने सीनियर और उस वक्त के सीईओ एरिक श्मिट से डिस्कस किया, जिन्होंने इस आइडिया को ये कहकर नकार दिया कि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन सुंदर ने मन बना लिया था कि इस आइडिया को वह हकीकत बनाकर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने गूगल के को फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को खुद का ब्राउजर लॉन्च करने के लिए कन्विंस कर लिया। गूगल क्रोम बनाने में सुंदर पिचाई ने काफी अहम रोल निभाया। कुछ ही वर्षों में गूगल क्रोम दुनिया भर में लॉन्च हुआ और काफी सफल भी रहा और इसकी मदद से दुनिया भर के टेक वर्ल्ड में सुंदर पिचाई एक जाना माना नाम बन गया। 2008 में सुंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके बाद तो वे गूगल में प्रमोट होते चले गए और 2012 आते आते वे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 2013 में एंडी रोबिन, जो कि उस वक्त गूगल के एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, वे किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने चले गए। ऐसे में लैरी पेज ने सुंदर को एंड्रॉयड की जिम्मेदारी दी और 2014 में सुंदर प्रोडक्ट चीफ बन गए। सुंदर का दबदबा गूगल में बढ़ता जा रहा था। 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ नियुक्त कर दिया गया। इसी साल गूगल के द्वारा अल्फाबेट कंपनी भी बनाई गई थी, जो कि गूगल की बाकी सारी सब्सिडियरीज को देखने की जिम्मेदारी रखती थी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुंदर पिचाई का दुनिया भर के टेक वर्ल्ड में फेमस होने के कारण कई और बड़ी कंपनीज भी उनको अपनी कंपनी का सीईओ बनाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने सुंदर पिचाई को बहुत बड़ी रकम भी ऑफर करी, पर सुंदर पिचाई ने हमेशा खुद को गूगल के प्रति लॉयल पाया और इसी कारण वह हमेशा इस कंपनी को और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं।
अभी सुंदर पिचाई अल्फाबेट के भी सीईओ हैं और इस मुकाम तक वे अपनी मेहनत की वजह से ही पहुंच सके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सुंदर पिचाई की कहानी जरूर प्रेरित करेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।